You're in the right place, Danny. My name is Raisa, and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Are you going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. Perdón. I thought you just said uranium. You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. You ex-military? Isn't everybody? Okay. Just show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, it can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. Hola amigos, कैसे हो सब? ठीक हो? I hope तुम सब बहुत बढ़िया हो गए यार. स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में Far Cry 6 के. और इस बंदे के पीछे हम लोग जा रहे हैं. There's something that she wants us to do or some place she wants us to take us. तो वहीं जाकर देखते हैं आगे क्या पता चलता है. Her name is Raisa, I think. There's a guard posted at the watchtower ahead. All right. He's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info. What's the problem? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं. What does he want from us? One, not to get his ass shot. So keep your gun holstered or he'll open fire. All right. Double agents काम करते हैं भाई इन लोगों के आर्मी में. Right. No weapons. Which is really quite nice actually. ये देखो FND double agents हैं. मतलब देर करप्ट काइंड ऑफ. और इनको थोड़ा सा पैसा देंगे हम लोगों को तो दे कैन टेल अस यू नो इन्फॉर्मेशन वगैरह सब बता सकते हैं वो हम लोगों को. विच इज रियली नाइस. मुझे लगता है ये काफ़ी काम आएगा. और उनसे मिलने के लिए यू हैव टू होस्टल क्या बोलते हैं इसको होल्स्टर योर वेपन वरना भाई यही शूट करने लगेंगे तुम्हारे ऊपर. एंड वील हैव टू किल हिम. यू गॉट समथिंग फॉर मी? ओके चेक दिस आउट. हियर इज वेयर यू कैन फाइंड सम वेपन्स अराउंड हियर. थैंक यू. Alright, तो ये समझ आ गया कि जहाँ भी हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी होती है ना वहाँ विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ टावर थिंगी या तो एक ऐसी जगह जहाँ से तुम यू नो ऊपर चढ़ सकते हो जहाँ और देख सकते हो जगह को. ऐसा मुझे लग रहा है. बाकी तो हम देखेंगे गेम में भी आगे. पर आई थिंक ऐसी कोई जगह होगी जहाँ से यू नो यू कैन स्कोप आउट द एरिया. बिकॉज यहाँ पर यार ड्रोन वोन तो है नहीं हमारे पास राइट वाइल्ड लैंड जैसा. फ़ोन है एक और उसको सही से यूज़ करने के लिए वील हैव टू गेट अपस्टेयर्स ताकि जहाँ पे जाना है हम लोगों को उसके ऊपर जा सके हम लोग एंड वी कैन यू नो स्काउट द लोकेशन देख सके वहाँ पर कितने लोग हैं कितने नहीं. सो ऑल दैट. सबसे पहले देखते हैं मेरे पास क्या है यहाँ पे. कुछ मॉड्यूलेशंस कर सकता हूँ मैं कि नहीं अपने गन्स में. भाई वी हैव टू राइफल्स बेसिकली. अभी ज़्यादा कुछ वेपन नहीं मिले हम लोगों को. मिलेंगे ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है. मुझे लगता है सप्रेसर डालना सही रहेगा यहाँ पर यार बिकॉज थोड़ा तो वो रिड्यूस कर देगा वेपन नॉइज जो होता है. और इफ़ यू वॉच्ड वाइल्ड लैंड्स तो आपको पता है मुझे ऐसे साइलेंसर वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं. आराम से मारो कोई दिक्कत नहीं होती फिर. सो दैट्स व्हाट वी विल डू फर्स्ट ऑफ. भाई इसमें बॉटल से बना क्या जुगाड़ करके रखा है यार. शेट. चलो आई थिंक स्काउट आउट कर सकते हैं वहाँ से. ओके तो वो जैसा फोर्ट टाइप का जो जगह है वहाँ पर जाना है हम लोगों को. एंड दिस वुड बी लाइक आ फर्स्ट टाइम गोइंग इन टू दिस थिंग आउटपोस्ट वगैरह बोलते थे ना इसको. आउटपोस्ट वगैरह में जाने का पूरा फोर्ट फोर्टिफाइड टाइप का है भाई ये. यहाँ हमें जाना है गाइस और हमें चुराना है यूरेनियम. And so that's that. We have to take out the uranium. अब वो हम लोग आराम से भी कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल गो एंड शूट एवरीबडी. बट उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी. सो आई वुड ट्राई टू डू दिस कामली क्वाइटली बिकॉज उसमें ज़्यादा मजा आती है. Where is the officer? बाकी आप लोग बने रहिएगा. देखते रहना कैसा लगता है ये एपिसोड आप लोगों को. कमेंट करके जरूर बताना. और let's scout out the area and move on towards the. यार देखो एक तो एंट्री पे ही बंदा खड़ा है पर मुझे ये नहीं पता उसके आसपास कोई और है कि नहीं. मोस्ट प्रोटेक्टेड बेस ऑन द आइलैंड. दिस सोल्जर्स हैव बीन इशू विद बॉडी आर्मर एंड हेलमेट्स. नथिंग आर्मर पीसिंग राउंड्स कांट हैंडल. यूज द वर्कबेंच इफ यू नीड टू क्राफ्ट सम एंड देन गो स्नैच दैट यूरेनियम. ओके सो हमें चाहिए रहेगा यहाँ पर ये एमो सॉकेट है ना. सॉफ्ट राउंड से काम नहीं होगा आर्मर पियर्सिंग राउंड से ही हम लोगों को.
मुझे लगता है दोनों गन्स में वही कर लेते हैं बिकॉज वी या तो एक ही गन में चलो दूसरी गन में शायद मैंने किया था क्या आई जस्ट डोंट ड्रॉप इनटू द मीडल इट्स ओके आई डोंट रिमेंबर एनीमोर चलो भाई पैराशूट डिप्लॉय किया जाए एंड वी विल गो स्ट्रेट टुवर्ड्स दैट फोर्थ थिंगी ओ भाई आराम से भाई टाइम ही पे खुल गया यार वरना मर जाता मैं ऑलराइट अब देखो मैं एंट्री लेने को यहाँ से ले सकता हूँ बट सिंस आई डोंट हैव अ स्कोप थिंगी स्कोप जो होता है ना वो अभी नहीं है मेरे गन्स में तो मुझे नहीं पता है मैं बुलेट मारूंगा उसको तो उसको एक बार में लगेगी नहीं और नहीं लगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए और ग्वापो भी यहीं पर है देख रहे हो ग्वापो हेलो ग्वापो क्यूटी पाए तो मैं ये कह रहा था कि वी वुड नॉट गो स्ट्रेट अहेड मतलब हम सीधे सीधे से नहीं जाएंगे भाई यहाँ से बिकॉज मुझे नहीं लगता वहाँ पे ये जाना सही रहेगा इफ़ वी वॉन्ट टू डू इट कामली क्वाइटली तो हम धीरे धीरे शायद आई ट्राई टू यू नो इधर राइट साइड के थ्रू जाते हैं हम लोग और वी विल सी इफ वी कैन एंटर द प्लेस समहाउ कुछ तो ऑप्शन होगा यार बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड ऑप्शन देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड चांस देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड डोर इन लाइफ एंड इन जनरल तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है लुक एट द ग्राफिक्स साइड मतलब हम चल रहे हैं तो यार वो फ्लावर्स का डबना वगैरह वो बहुत अमेजिंग लगता है मुझे ऐसे किसी और गेम में भी हमने देखा है मुझे लगता है रेड डेड में या आई डोंट नो आई डोंट रिमेंबर बट इट्स रियली रियली गुड और यहाँ पर भी एक बंदा तो है कॉज आई कैन सी द रेड स्पॉट लेट्स फाइंड दैट गाय मुझे लगता है वो अकेला ही होगा और उसको मार कर हम ये भी देख लेंगे भाई कि ये सप्रेसर कुछ काम का है या फालतू में ही है लेट मी सी वेयर ही इज एग्जैक्टली एंड ओह देयर ही इज आई डोंट नो इतनी बुलेट मेरी तक जा पाएगी एक बार में या नहीं या मे बी टू बुलेट विल डू ओके एक बार में काम हो गया भाई ये सही था यार फिर भी सही था मतलब एंड दिस इज रियली टू रियलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक सा फील दे रहा है दे रखा है इसमें गन्स वगैरह को मतलब दे डोंट जस्ट गो स्ट्रेट दे यू नो वो ट्रैजेक्टरी पे जाती हैं विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग विच इज़ रियली अमेजिंग आई वुड से तुम लोगों को कैसा लगता है बताना तुम लोग भी बाय द वे फायर क्राई 7 का भी काफ़ी वेट हो रहा है यार मुझे पता नहीं उसके बारे में कुछ भी नई अपडेट आ रही है कि नहीं कुछ तो आती रहती है बट मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट रूमर्स एंड स्टफ देखते हैं कुछ नया पता चलता है तो आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट वन बिकॉज दिस वन वॉज नॉट दैट गुड आई वुड से बट स्टिल ग्राफिक्स वगैरह में तो अच्छा ही लग रहा है मुझे तो खेलने में वैसे अभी तक जहाँ भी हम हैं दैट्स इंटरेस्टिंग आई लव फायर क्राई 3 एंड फायर क्राई 5 बाय द वे फायर क्राई 3 तो भाई यूनिवर्सल सबका प्यार है ही बट फायर क्राई 5 भी मुझे बहुत पसंद आया था यार हम लोग ने वो गेम खेल रखा था इसमें बट आई डिडंट हैव अ गुड पीसी बैक देन सो उसको देखना होता तुम लोग देख सकते हो वैसे आई हैव ट्राइड टू मेक इट जितना भी क्वालिटी हो सके बट नाउ वी हैव अ गेमिंग पीसी गाइस तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सब खेलेंगे अपन लोग यार यहाँ पे कुछ तो ओके वी कैन यूज द ग्रैपल थिंग राइट चलो भाई ग्रैपल यूज करें देखो मैं ऊपर डायरेक्टली जा सकता हूँ पर वहां पर एक बंदा दिख रहा है मुझे और ये जो मेजर सोल्जर है क्या नाम है इसका येलो वाला जो भी है तो आई डोंट रियली वांट टू टैकल हिम इन मतलब ऐसे सामने से जाके बिकॉज वहाँ और भी बंदे हो सकते हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ ना जाके वी कैन जस्ट स्विंग कैसे करते हैं इसमें ये सब ऑप्शन दे रखा है पर स्विंगिंग का लेट्स ट्राई बैक एंड फोर्थ चलो भाई ओके दैट वॉज ईजी फालतू में इतना सोच रहा था मैं चलो भाई ये ब्लू वाली जो भी ब्लू कलर से बनाया गया ना ये सब दर्शाता है यही मुझे लगता है कि यू कैन यूज दीज पार्ट्स टू गेट इन राइट गरिया पास जिसको ये कह रहे हैं ऑल राइट यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है दिस फोर पीपल विच आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी बाकी और भी कोई हो तो यार मुझे पता नहीं है वो बिकॉज देखो एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ है एक यहाँ पर कुछ नहीं है लेट्स सी लेट्स एक ऊपर ओके दैट्स द अलार्म गाइस अलार्म को ऐसे शूट नहीं कर सकते यार मुझे वाइल्डलैंड की थोड़ी याद आने लग रही है इसको खेल के बिकॉज पर इसमें वो नहीं है इसमें तो हम लोगों को जाकर बंद करना पड़ेगा या तो वो नीचे शूट करना पड़ता है राइट उसके जैसा बॉक्स मुझे लगता है यहाँ पर है
ओ भाई वो ऊपर से ही जा रहा है, देख लेगा। ए चचे मर जा तू। दैट वाज नाइस यार, मैं तो कहूँगा भाई। ये रहा अलार्म, इसको बंद करते, चुपचाप बंद कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अलार्म नहीं बजना चाहिए। अलार्म बजता है तो रीइन्फोर्समेंट्स आती है एंड दैट क्रिएट्स अ मेस एंड वी डोंट नॉट वांट टू क्रिएट द मेस। यूरेनियम इज इनसाइड, यूरेनियम उधर है, पर लेट्स सी इफ वी कैन शूट दिस गाय। थोड़ा तो मस्ती करेंगे यार, ऐसे तो खाली यहाँ थोड़ी चले जाएंगे। आई मीन वी आर टेकिंग द यूरेनियम बट थोड़ी सी जाने भी ले जाएंगे, जाने। ऑल राइट, आगे चलते हैं गाइस। बाय द वे, अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि अभी डेली अपलोड्स क्यों नहीं हो रहे, वैसे क्या ही सोच रहे होगे, पर इफ बाय चांस सोच रहे हो तो थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं, बट आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एटलीस्ट कुछ दिन के लिए, और ऑल्टरनेट डेज पर गेम्स आएंगे। वी आर प्लेइंग फायर क्राइ 6 एंड रेड डेड रिडेम्पशन राइट नाउ, अगर इफ़ यू डोंट नो, और तो वही चलेगा अभी कुछ टाइम तक, फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों को कोई स्पेशली कोई गेम्स देखने हो। बाकी तो मुझे इन्जॉयमेंट आ रहा है भाई ये दोनों खेलने में, रेड डेड की तो बात ही अलग है यार, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स एवर मेड, और फायर क्राइ 6 में भी मज़ा आ रहा है भाई। और फायर क्राइ 5 मैंने शुरू में खेला था, आई थिंक तब थोड़ी सी ग्रोथ हो ही रही थी इस चैनल की, और अभी भी हो ही रही है वैसे भी, और वी हैव फाइनली प्लेइंग फायर क्राइ 6 नाउ, तो मज़ा आ रहा है। बस ये बताना है कि थोड़ा ऑल्टरनेट डेज पे आएगा तो बने रहना। देखो ये कैसे पड़ा हुआ है भाई, मर गया है लेकिन स्वैग नहीं हट रहा उसका, चश्मा में लगा के मरा भाई, उसके मुंह पे गोली मारनी चाहिए थी। ऑल राइट, देखो हमारा काम यहाँ पर हो गया है, सो ऑल वी हैव टू डू इज रन, बट रन ऐसे नहीं करेंगे यार, थोड़ा तो इनको बता दें कि कुछ हुआ है ना, इतनी देर से शांति से खेल रहे हैं हम लोग, अब थोड़ा तो यार मतलब मुझे लगता है वी कैन डू समथिंग। खासकर इसको तो जरूर मारना है भाई, इसमें पीला पीला बन के आ रहा है, इसको मार के चैन मिलेगा भाई मुझे, ऐसे नहीं भाग सकते। अरे यार तुम पलट क्यों रहे हो, ये तो खुद ही मौत के गले लगाने आ रहे थे भाई, ऐसे कौन है, उस दूसरी ऑपोजिशन ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना चाहिए ना तुम्हें भाई। इसका आर्मर बहुत तगड़ा है यार, अच्छा वो हम लोग सामने से नहीं आए, वरना इसको मारने में तो पक्का सबको पता चल जाता। लुक एट हिज आर्मर मैन, यार ये बुलेट बहुत दूर तक जाती नहीं, दिक्कत ये बता। रॉक गुआपो, पहुंच गया भाई वहां पे वो, नाइस डन, नाइस वर्क मैन। चलो भाई आगे बढ़ते, यार यार लाल लाल कुछ बन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा किसके लिए। आई डोंट सी एनीबडी एल्स ओवर हियर, मे बी वो अंदर साइड ही हो, मुझे दिखे नहीं अभी तक, और कोई आया भी नहीं। ओके लेट्स गो, गुआपो भाई आ जाना, मैं तुम्हें उठा के नहीं ले जाऊंगा, वैसे तो वो आ ही जाता है यार, ये प्रकट हो जाते हैं ये लोग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके लेट्स टेक द डेप्लीटेड यूरेनियम टू हुआन नाउ, चलो भाई। ओके इसको रख लेते हैं अंदर, क्रैब्स वैब्स सब भाई बैठे रहते हैं वहां पे यार। ओके वी आर इन एट द कैंप नाउ, क्या कर्तव्य दिखा रहा है भाई, ये भी देख लीजिए। दिस इज रिसोल्वर डैनी, डिप्लीटेड यूरेनियम, सोवियट्स लेफ्ट दिस सेक्सी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट बिहाइंड इन द 80s, यंकीज। ओके ये कुछ बना रहा है, उसके लिए चाहिए था इसको, नाइस। साउंड्स डेंजरस, यू विल बी अ फकिंग सुपरहीरो डैनी। लीटा एंड आई यूज्ड टू स्निक दिस इनटू द ऑर्फनेज, एसेंशियल रीडिंग व्हाइल वेटिंग टू फक अप कॉनबॉयज इन द मड। A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay, but what the hell is this? This is a Supremo. Supremo? Wow, man. Looks like a rocket launcher. See, she does that too. One more thing. I want you to meet Tostador.
भाई क्या अजीब अजीब से नाम है यार, फायर एंड फ्यूरी, सुप्रीमो एंड टोस्टादोर, क्योंकि वो टोस्ट बना देगा भाई। नाइस नाइस नाइस, ओके वी हैव बोथ द वेपन्स ऑन अस नाउ। आर यू जस्ट हंग्री वन? एक्सटर्मिनेटर, एक्सटर्मिनेटर। Supremos aren't just simple. Let's take a look at that Supremo. Okay, nice, yeah. The special ingredient that makes this all happen. Pick a gadget, Danny. This is a Seisler. Now go talk to Clara. Time to give that Supremo a workout. Okay, हमें throwables भी मिल गए हैं। अभी तक हमारे पास throwables नहीं थे, like this, smoke bombs वगैरह। मैंने smoke bomb select कर लिया यार। अगली बार वील ट्राई टू चूज द नाइफ ऑल्सो, बिकॉज वो नाइफ फेंक के मारने का अलग ही मजा है भाई। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बाय द वे अभी तक वैसे तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तक हम लोगों को कोई ऐसे जानवर मारने मारने वाला सीन नहीं मिला है। बाकी देखते हैं इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अभी तो हम लोग एक छोटे से आइलैंड में, मुझे लगता है हम लोग यहाँ से भी आगे जाएंगे, बिकॉज फायर क्राई 5 का जो मैप था वो काफ़ी बड़ा था। सो आई एम होपिंग दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ इट, बिकॉज तभी मज़ा आएगा यार। इसमें तो कुछ भी अपडेट्स नहीं आए मेरे पास। चलो कोई नहीं, कम से कम मैंने वो लगा लिया, स्कोप की बहुत ज़रूरत थी मुझे, एंड इट्स रियली नाइस टू हैव अ स्कोप। नाउ गो टॉक टू क्लारा, टाइम टू पुट दैट सुप्रेमो टू यूज गेरिया। क्लारा, ओके, मिडल माउस से, मिडल बटन से हम लोग थ्रो कर सकते हैं। ओके नाइस, क्या करना है, क्लारा से बात करनी है ना, क्लारा ऊपर है। लेट्स गो टॉक टू द बॉस मैन, बॉस लेडी है भाई वो। कैप्चर मिलिट्री टारगेट्स, डिस्ट्रॉयिंग स्टील मिलिट्री, हाँ ठीक है ठीक है। चलो भाई ऊपर चलते हैं। Clara. Good. You're here. Clara Garcia. I don't need to tell you that, baby. Hit that slave. Karna no guys, follow Julio's lead and destroy the Vivera prison camp. Okay, Vivero prison camp hai wahan pe bhai. Bhai isse to matlab ye to tagdi cheez hai yaar. So basically ek prison type ki jagah hai jahan par hame jana hai abhi, aur wahan par Vivero bahut ban raha hai bhai. Mujhe lagta hai wahan tank wank bhar ke ya to wo plant wagera hoga, जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है बेसिकली। नाइस, ऐसा मिशन उसमें था एक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली फायर क्राई 5 में भी एक मिशन था जिसमें वो रहती है ना लड़की, व्हाट वाज़ द नेम मैन, फेथ, फेथ को तो सब, फेथ सबको याद होगी यार, अगर आप लोगों ने खेला है वो गेम तो। फेथ वाला मिशन यार काफी इंटरेस्टिंग मिशन था वो, पर उसी में से एक मिशन था बिफोर वी कुड यू नो गेट हर, तो उसमें हम लोगों को वो जलाने होते हैं जो कि वो ड्रग्स टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब मुझे याद नहीं उसको बोलते क्या यार, उसी की तरह कुछ विवीरो यहाँ पे ये लोग फैला रहे हैं, उसी से शायद अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाते हैं यार ये लोग। कुछ तो विवीरो है जो स्टार्टिंग में भी देखा था शायद हम लोगों ने, जो लाल लाल हर जगह स्मोक की तरह वो स्प्रेड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड विवीरो। और वो शायद प्रिजन जो एक जगह है जहाँ पर आई डोंट नो मे बी टैंकर्स वगैरह में भर के रखा हुआ है, और वो प्लांट भी वहीं पर है। टू वील सी अबाउट दैट। अरे अभी फालतू में यूज कर लिया यार मैंने। चलो कोई नहीं, आराम से चलते हैं। लेट्स गो मीट हुलियो, और उससे मिलने के बाद वील मूव ऑन टू दैट प्लेस, वॉट एवर प्लेस दैट इज। एमओ वगैरह सब फुल है मेरी, चलो चलते। गुआपो भाई आ जाता है अपने आप, उसको सारी लोकेशंस बताएं कैसे जाना है। ऑल राइट देन, अरे भाई मैं गिरना चाहूंगा अभी। ओह शिट, मुझे लगा इतना भी हो जाएगा यार, इतना सब तो कूद ही रहे थे तुम हैं। कोई नहीं, इट्स ओके, लेट्स गो मीट हुलियो
जूलियो नहीं है, हुलियो है भाई। ओके लेट्स गो, हील कर ले गया थोड़ा सा। ओ भाई हील वाले एनिमेशन के तो बहुत देखा होगा तुम लोगों ने, शॉर्ट्स वगैरह बहुत आते हैं। थैंक यू शो। लिसन चलो जी, आई एम नॉट गोइंग टू बुलशिट यू। आई वांटेड टू डू दिस अलोन बट क्लारा गिव मी एन ऑर्डर। आई कैन हैंडल मायसेल्फ, डोंट गिव अ शिट। सो कुड लीटा, शी शुड बी हियर राइट नाउ, बट इंस्टेड आई गेट यू एंड आई एम सपोज्ड टू बी इन मियामी। But instead, my two best friends are dead, and I'm stuck here with you. अरे भाई 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 भाई, उसकी कहानी ज़्यादा खतरनाक है यार तुम। Step one, we hit the tobacco. Step two, we destroy their poison supply. Step three, we get. So Vivero is basically a poison. Castillo gets a nice, pretty message from Libertad. Got it. Take this gear. It'll protect you from fire, and more importantly, Castillo's fucking poison. रिस्ट गियर मिला हमें कुछ, गियर तो चेंज कर सकते हैं ना आर्सेनल में जाके। हाँ ओके, वेट वेट वेट, रिस्ट गियर रिस्ट गियर कहाँ से मिलता है यार, रिस्ट की वाली चीज़ें नहीं मेरे पास। ओके दिस थिंग, ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा इससे हम लोगों को फ्लेम फ्लेम थ्रोवर यूज़ करने में हेल्प मिलेगी मुझे लगता है। Nice need in the right situation will keep you hazmat mask. Yeah, the right tool for the right job. Been hearing that a lot lately. Listen, Julio. Lita was like a sister to me. She shouldn't have been on that fucking boat. She died because of you, Rojas. No. Anton Castillo killed Lita. If I could change anything, it would be me dying on that beach. Lita was a better person than I could ever be. And if she loved you, well, that just says a lot about who you are. Enough. Look, if you and I are going to do this, you need to know about the poison. You mean that shit they spray on the leaves? Its real name is PG-240. PG-240. The poison, because it fucks up your system. Try not to breathe it or get it on your skin. It can make you go fucking crazy or sick. Like deep down. पागल कर देता है मतलब वो लोगों को यार किसी तरह से। The cancer that grows inside. Shit. Coño. So you're military. Unexpressed cancer, भाई साहब क्या बना दिया है इन लोगों ने। What's your thing? I'm good with guns. We get along. We'll start thinking. That gear I gave you was good for fire and poison, but guerrillas need gear that fits their style, no matter the situation, or they get themselves killed. This is a good place to scout it. So I think that's the place जहाँ पे ये place नहीं है, मुझे लगता है वो है जैसे मैंने starting बताया था ना, यहाँ पर जाके हम लोग देख सकते हैं कि what all people are there। जाना तो हम इसके आगे ही होगा। All right guys, time to scope the area. See the Viviro tobacco and the yellow poison tanks. ये देख रहे हो यहाँ plants वगैरह कितने रखे हैं भाई यहाँ पे। Punch holes in the tanks to let the poison out into the air. अलार्म लगा हुआ है और poison and fire make a hell of a mix. There are people, मतलब हैं तो यार, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कम लोग हैं। They're hard to kill, but they can't take the heat. ये तो भाई sniper type का बैठा है क्या? You got a flamethrower. You've got that supremo. Okay. Time to fuck up all this Viviro bullshit. You know, Lita and I had a ritual. Psych us up before battle. A song. Song? Hit me. El movimiento. Oh, bhai saab, we're going all money heist over here. Bella chao, chao, chao. Bhai saab, bella chao, yaar. For Lita. For Lita. अब chaos मचाने यार तो ये शांति से नहीं हो पाएगा, बट अंदर जाते हैं पहले शांति से। यार आई नीड अ प्रॉपर वेपन। इन वेपन से पता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बुलेट कहाँ तक जा पाएगी। सो आई एम नॉट रियली श्योर। इसको मारे पहले। वेट यार, समवन विल सी मी एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इट। Bingo! Oh yeah! Over there!
इसको तो मार ही सकते हैं यार। नाइस। कभी कभी सोचा नहीं होता तुम लोगों को वैसा शॉट लग जाता है। इट्स इनक्रेडिबल। पर यार वहां लाश पड़ी हुई है उसकी, आई डोंट नो। पहले इसको मार देते हैं यार, वरना ये ऊपर से दिक्कत देगा या देगी, जो भी है देगी लग रही मुझे तो। नाइस। ऑल राइट, यहां पर दो बंदे और बचे मेरे हिसाब से तो भाई, मतलब इधर जो सामने वाली जगह है वहां पे दो बंदे और हैं, यहां पे ऑब्वियसली और भी लोग होंगे। एंड दिस इज द प्लांट्स है ना। हाँ, ये विवेरो न्यूवे प्लांटेशन है समथिंग, जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना है भाई बेसिकली। मारते हैं इन लोगों को जल्दी जल्दी। वेट, ये बाहर निकलेगा क्या, यहाँ पर आएगा? अरे यार एक तो अरे यार we'll burn this fucking place to the ground. Fuck, Renata! Shit, भाई। All right, I think it's time to create the chaos now. सुप्रीमो रेडी, लेट्स गो। अरे भाई कहाँ उड़ते हो जा रहा है यार। मजा आने वाला है गाइस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, शूट दिस गाइस। अरे यार हाँ लग गई ना। अरे हाँ अब भी हो गया यार, ये क्या फेंका इसने, कुछ तो किया इसने यार। अलार्म बज रहा है बट आई कैन नॉट, आई डोंट नो अलार्म है किधर यार। अंदर साइड ही होगा ना। बेला चाओ गाइस, आई लव दिस सॉन्ग मैन। वो रहा अलार्म सामने, बंदा भी खड़ा है वहां पे। हाँ भाग रहा है भाई, रुक जा। ये बढ़िया है यार, ये कास्टियो की आर्मी में लड़कियां भी है, लड़के भी है, ऐसा वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। That's nice. We can shoot down both. अरे डॉगो है वहां पे भाई। Get them, Wapo. यार देखो वी नोट, अच्छा है क्या? नहीं भाई अच्छा तो नहीं। अरे यार अच्छा नहीं है। देखो आई डिडंट वांट टू किल दिस लिटिल फेला बट करना पड़ता है भाई। अब लाते हैं ना अपना वो, कहाँ गया? हाँ ये, लेट्स बर्न दिस शिट डाउन मैन। अरे भाई को आपो तुम मत आओ यार, तुम्हारा कबाब बन जाएगा। गुआपो भाई जल जल के बाहर रहा सबको, उसे कोई दिक्कत ही नहीं भाई। ओके बैक टू द मिशन गाइस, चलो जलाते हैं सब कुछ यार। एवरीथिंग बर्न्स। मुझे भाई केवल बताना बहुत पसंद है। लेट्स स्टार्ट द विवेरो को भाई, ये मस्त है यार, सुप्रीमो इज अमेजिंग भाई साहब। मतलब ये चीज तो भाई कमाल कर दी लोगों ने बना के, मजा आ गया। मैप वगैरह कुछ तो मिला, ये क्या यूज थैंक यूएसबी सॉन्ग, ये बढ़िया यार। अरे रुको रुको वेट, अरे बॉम्ब मारा ओ भैये, खोपड़ी तोड़।
रुको यार, मुझे हील करना पड़ेगा ना। हील किससे करते थे यार? जेड। शट अप भाई। 45% सैबोटाज हो चुका है। उसके बाद अब क्या और क्या कर सकते हैं? इसको भी बढ़ा दूं क्या? बर्न दिस थिंग नाउ। बर्न हो गए। ये विवीरो ही तो है मुझे लगता है। येलो पॉइजन टैंक। राइट राइट। हाँ, इसको भी तो उड़ाना ही है यार। ओके, वो जो प्लांट्स हैं वो रेड टोबैको प्लांट्स हैं और दीज आर द येलो पॉइजन टैंक। तो दोनों चीजों को ही हमें डिस्ट्रॉय करना है बेसिकली। नाइस यार। टाइम टू बर्न दिस थिंग नाउ। वाओ नाइस। वहां कुछ ओके, जीप में आ रहे हो भाई तुम लोग। रीलोड करने दो यार। ओके, स्ट्रेट लाइन में बैठे हो भाई, नहीं भाग पाओगे। दिस इज डन, लेट्स मूव ऑन। 58% कंप्लीट हो गया है। थोड़ी सी और यहाँ पे भजन मजानी है एंड आई थिंक वी विल बी डन फॉर टुडे। थोड़ा दूर हो जाओ भाई। हाँ, डिस्ट्रक्शन। क्या बोले? डिस्ट्रक्शन। ए यहाँ कुछ पड़ा हुआ था क्या? नहीं, बॉडी पड़ी है भाई। बॉडी इट्स ओके। अरे फोन बाद में चेक कर लेना, पहले गोली मारो यार। इसको डिस्ट्रॉय करिए तो ज्यादा बढ़ना चाहिए ना। ये तो बड़ा बड़ा टैंकर है, मतलब 81% हो गया भाई। दूसरा वाला उड़ाते हैं जरा। कमॉन कमॉन कमॉन, उड़ जा भाई। इससे तो बहुत तेज बढ़ रहा है यार। अरे आ गए तुम लोग। इनका भी टैंकर उड़ा दो। अरे यार उड़ जाओ भाई। कितना तगड़ा यार, उड़ी नहीं रहा। इतनी बुलेट मार दी। इट्स ओके ओके, नाउ इट्स डन। ये सही टाइम पे टैंकर आ गया भाई। 100% कंप्लीट हो गया गाइस। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज किल द लेफ्ट ओवर गाइस और आ गए यहाँ से जल्दी। कहा? अरे कौन सा बम फेंक रहे हो यार? रुको, ये क्या था? हम तैयार है यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ग्वापो आधा काम तो ग्वापो कर लेता है भाई। रेप्टाइल मेटाबॉलिज्म। अब क्या करना है? अब यहां से भागना ही है ना। एक आगे स्पॉट दिख रहा है रेड वाला, वहां चल के देखते हैं। मतलब यार लेफ्ट ओवर छोड़ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो खाने में हो या इंसानों में। क्या है यहाँ पे? लाल लाल क्यों दिख रहा है? हाँ टैंक है यहाँ पे, बट वैसे हमारा काम हो चुका है। बट व्हील्स के डिस्ट्रॉय। ओ यहाँ पे थे तो हम। अब लेट्स डिस्ट्रॉय दीज टू टैंक्स एंड मूव ऑन। ओके, द गेट गोज बूम। भाई तबाही में मैं स्पेन से बाहर कूद गया यार अपने आप। ए, जीप लेके भाग सकते हैं क्या? बस ज्यादा दूर जाना नहीं है वैसे। इट्स राइट देयर। और ग्वापो छोड़ना पड़ेगा हम लोग। इससे अच्छा तो हम लोग ऐसे ही जाएं। दिस वाज अ रियली नाइस, वेल जॉब डन। लुक, मजा आ गया भाई आज के एपिसोड में। आप लोगों को भी आया हो तो लाइक जरूर करना। वी वर्क वेल टुगेदर। सी, लिसन, बॉन्डिंग हो गई भाई, बॉन्डिंग। Gracias, Danny. Meet you back at camp. So he was basically Lita's boyfriend पहले, और अब हमने उसको अपना दोस्त बना लिया है guys. तो I think that was the episode. अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना क्या पसंद आया। I'll meet you in the next one. Bye bye.